चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एंटी एक्ने स्पॉट करेक्शन क्रीम, जो कि मेरा फेवरेट क्रीम बन गया है। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो विंटर ग्रीन स्पॉट करेक्टिंग एंटी एक्ने क्रीम। काफी लंबा नाम है, लेकिन सच मानिए बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करता है। इस क्रीम को मैं करीबन एक महीने से यूज कर रही हूँ। इसका रिजल्ट मुझे इतना ज्यादा अमेजिंग लगा, इतना ज्यादा अच्छा लगा, तभी मैंने सोच लिया था इसका रिव्यू आपके साथ जरूर से जरूर शेयर करूंगी। सो गाइस, आपने ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करे होंगे जिसका रिजल्ट आपको बहुत ही स्लो स्लो मिल रहा होगा, लेकिन सच मानिए जब आप ये क्रीम यूज करेंगे इसका रिजल्ट आपको इतना फास्ट मिलने वाला है, इतना अमेजिंग आपको लगेगा। एंड गाइस, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ये क्रीम मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, इसका रिजल्ट मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, तब जाके इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसे मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, जो मुझे कमेंट करके पूछते रहते कि मैम हमारे फेस के ऊपर एक्ने के डार्क स्पॉट्स हैं, हम ऐसा क्या यूज करें, ऐसा क्या लगाएं कि हमारे जो डार्क स्पॉट्स है वे फेड हो जाए। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए भी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फेस के ऊपर बहुत सारे डार्क स्पॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, ट्राई करते हैं, बहुत महंगे महंगे भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। सो गाइज, आप कह सकते हैं कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपने फर्स्ट टाइम देखा है, और जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए, तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो विंटर ग्रीन स्पॉट करेक्टिंग एंटी एक्ने क्रीम फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। सो गाइज, अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो ये क्रीम आपके लिए बेस्ट क्रीम है। और अगर आपके टी जोन एरिया पे बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस के ऊपर एक एक एक्ने आते तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एक्ने हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी आपके एक्ने के डार्क स्पॉट्स थे, इसे लगाने से धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे, आपकी स्किन धीरे धीरे क्लीन होने लगेगी। सो गाइज, इसे मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था, ये मुझे 199 का मिल गया था। इसकी जो शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स है, और ये 15 ग्राम्स का है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 100% बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और जितने भी आप देखते होंगे बायोटिक के जितने भी प्रोडक्ट्स है, उसकी जो पैकेजिंग है ऑलमोस्ट सेम होती है, ग्रीन एंड वाइट में। सो पैकेजिंग तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ऑलरेडी मैं बायोटिक प्रोडक्ट की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैं बहुत सारे बायोटिक के प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ करती हूँ। सो गाइस, चलिए तो इसे ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर का। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे ओपन कर लिया है। जितना बड़ा बॉक्स है उससे कहीं गुना ज़्यादा छोटा इसके अंदर का कंटेनर है। सो आप सोच रहे होंगे इतना छोटा कंटेनर कितने टाइम तक चलेगा, ये आराम से आपका 2 से 3 महीने तक चल जाएगा। मैं इसे आराम से 3 महीने तक यूज़ कर सकती हूँ। मेरी स्किन ऑयली है, लेकिन एक्ने प्रोन स्किन नहीं है। कभी कभी मेरे स्किन के ऊपर एक्ने आते हैं, तो मैं करंट एक्ने के ऊपर हल्का सा लगाती हूँ, सिर्फ 7 डेज तक लगाती हूँ। उसके बाद दो जो एक्ने क्लियर हो जाता है, डार्क स्पॉट क्लियर हो जाता है, जब दोबारा मुझे एक्ने आते तब जाके मैं इसे लगाती हूँ। सो गाइस, अगर आपकी स्किन ऑयली प्लस एक्ने प्रोन स्किन है, डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे डेली लगा सकते हैं, तभी भी आराम से आपका 2 महीने तक चल सकता है। सो आपको इसे भर भर के नहीं लगाना है, जैसे मैं आपको बताऊंगी सिर्फ आपको उतने ही क्वांटिटी में इसे लगाना है। बहुत सारे लोग बहुत सोचते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ज़्यादा लगाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको उतना ही लगाना है जितना आपको बताया जाएगा। सो गाइस, इसके साथ साथ मैं स्किन केयर रूटीन भी अपना फॉलो कर रही थी। चलिए मैं आपको बताती हूँ किसे आपको कैसे लगाना है और आप कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्रीम इतने छोटे से कंटेनर में है, इसे कैसे अप्लाई करना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटा सा है, चाइल्ड फ्रेंडली है, आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, अपने साथ अपनी स्किन को क्लियर रख सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको एक ऐसा कैप मिल जाएगा, और इसके अंदर का जो क्रीम है वो वाइट में है, वाइट टेक्सचर में है, और इसका जो ये जेल बेस में है, तो जेल बेस बहुत ही जल्दी आपके स्किन के ऊपर ड्राई हो जाएगा। इसकी जो स्मेल है फ्रेंड्स, ये आपने कभी मूव यूज़ किया है, आयोडेक्स यूज़ किया है, सेम एज इट इज़ इसकी स्मेल है। अगर आपको आयोडेक्स की स्मेल से या तो मूव की स्मेल से प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ये प्रोडक्ट मत परचेस कीजिएगा, क्योंकि सेम एज इट इज़ वैसी ही स्मेल है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस क्रीम को आराम से यूज़ कर सकती हूँ। सो गाइज, इसे कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि रिसेंटली मुझे यहाँ पे एक एक्ने आया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे जस्ट मैंने एकदम हल्का सा लिया, और यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसे अप्लाई कर लिया, और इसे मैंने रात भर छोड़ दिया।
3 दिन बाद मेरा जो एक्ने है वो एकदम मतलब कम हो गया, और एक हफ्ते बाद उसके जो डार्क स्पॉट्स है वो धीरे धीरे कम हो गए, और लगातार मैं इसे लगाते रहूंगी तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वहां पे एक्ने आए हैं। सो गाइज, अगर आपके स्किन के ऊपर भी एक्ने आ रहे हैं, मतलब आपके चिक्स के ऊपर, नोज के ऊपर, यहाँ पे कहीं पे भी एक्ने आ रहे हैं, सिर्फ उसी एरिया पे आप वहां पे लगाइएगा, पूरे फेस के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जब आप लगाएंगे तो बहुत ही स्ट्रांग स्मेल आएगी आपको, एक मतलब बाम की, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा टाइम तक आएगी उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर आपके चिक्स के ऊपर होते इतने पार्ट पे लगाइएगा, इतने ही पार्ट पे लगाइएगा, आप देखेंगे एक हफ्ते बाद आप देखेंगे, आप फर्स्ट डे का फोटो खींच के रखिएगा, उसके बाद एक हफ्ते बाद फोटो खींचेगा और दोनों को कंपेयर कीजिएगा कि मेरे जो डार्क स्पॉट्स है सच में कम हुए हैं कि नहीं हुए। और ये एक्ने के लिए भी है, अगर आपके फेस के ऊपर कहीं पर भी करंट एक्ने आ रहे हैं तो वहां पे लगाइए, 3 दिन बाद आप देखेंगे वो एक्ने दब जाएगा। सो गाइज, मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं बायोटिक के और भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, जैसे कि सबसे पहले मैं बायोटिक का नीम फेस वॉश यूज़ करती हूँ रात में, और उसके बाद मैं बायोटिक का कुकुम्बर टोनर यूज़ करती हूँ। इसे मैंने एक स्प्रे बॉटल में भर लिया है, डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर स्प्रे करती हूँ, जब ड्राई हो जाता है तो इस क्रीम को लगा के मैं रात भर छोड़ देती हूँ। आप चाहें तो दिन में 2 बार इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक मॉर्निंग टाइम में एक नाइट टाइम में, मैं सिर्फ एक ही बार यूज़ करती हूँ। सो फ्रेंड्स, कब तक आप केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे अपने एक्ने डार्क स्पॉट्स के लिए? केमिकल वाले प्रोडक्ट के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जब तक आप यूज़ करेंगे ठीक है, जब आप यूज़ करना बंद कर देंगे आप देखेंगे आपके स्किन के ऊपर फिर से एक्ने आएंगे और डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे। सो ट्राई करें कि कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करें। जब भी आप इसे परचेस करेंगे तो इसका स्मॉल पैक परचेस कीजिएगा, जब आपको ये फायदा कर जाएगा तो आप इसका बड़ा वाला पैक यूज़ करिएगा। सो गाइज, मैं अपनी वीडियो में हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि आपको बोलूँ, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते तो पहले स्मॉल ट्राई कीजिए, आपको अगर अच्छा लग गया फायदा कर गया के बाद आप बड़ा वाला लीजिएगा। सो गाइस, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में कोई भी, अगर आपको लगता है कि हाँ किसी के फेस के ऊपर एक्ने हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके साथ शेयर कीजिएगा, उनकी हेल्प कीजिएगा ताकि उनकी भी स्किन क्लियर हो, वो भी कॉन्फिडेंट हो। सो गाइस, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आई होप सो आपको पसंद आया होगा। एंड फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है रुबना शेख ऑफिशियल, वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से रील्स डालती हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।